देखो यहां पर अभी हम लोग स्क्वायर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या है और इसको कैसे समझेंगे। तो दैट स्क्वायर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स दैट विल गिव द स्केलर वैल्यू। टू वेक्टर व्हेन मेक ए प्रोडक्ट इट विल गिव द स्केलर वैल्यू देन इट इज टर्म्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और समटाइम इट मे बी टर्म्ड एज द इनर प्रोडक्ट। नाउ कैसे हम समझेंगे इस बात को कि दो वेक्टर आपस में प्रोडक्ट करता है तो ऐसे में वो स्केलर वैल्यू दे रहा है। तो देखो मान यहां पर हम अभी दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। एक वेक्टर सपोज दिस इज द वेक्टर ए एंड अनदर इज द वेक्टर बी समवेयर इज द अनदर वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर को ये ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर को हम विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का कोशिश किया यहां पर दैट इज द एक्स एंड वाई और इस एक्स वाई पे मान लो हमने ए वेक्टर को अलोंग द एक्स लगाए विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए वेक्टर को हमने विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द एक्स कंसीडर किए ठीक है। ये आपका एक्स का डायरेक्शन हो गया और वाई का डायरेक्शन यहां पर और ऐसे में बी को हमने विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहां सब्स्टिट्यूट किए माने यहां अरेंज कर दिए बी को तो बी आपका इस तरफ बी का वैल्यू आ गया बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर आप यहां देख रहे हैं बी वेक्टर। So, अब बी वेक्टर को आप यहां रिप्रेजेंट किए बी वेक्टर और ए वेक्टर विद देयर दैट मींस यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मींस यहां पर को इनिशियल वेक्टर कोलिनियर ने को इनिशियल वेक्टर के रूप में कंसीडर किए जहां पर दोनों का टेल मीट कर रहा है और इसको हमने कंसीडर किया। अब देखो यहां पर दो एंगल बनता है एक शॉर्ट एंगल बन रहा है जो आप जिसको आप थीटा कंसीडर करते हैं और एक लॉन्ग एंगल बड़ा वाला बन रहा है दैट इज द 360 माइनस थीटा। सो हमको कौन सा कंसीडर करना है स्मॉल एंगल कंसीडर करना है। अब देखिए एक बात यहां आपने समझा अभी इसी वेक्टर को देख रहे हैं बी वेक्टर को तो बी वेक्टर का दो कंपोनेंट आपके पास आ रहा है या हम कह रहे हैं कि बी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं रिजॉल्व कर रहे हैं बी वेक्टर को एक एक बी वेक्टर को अलोंग द एक्स ले रहे हैं तो बी एक्स अगर इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज यूनिट कैप ऑफ द आई क्योंकि एक्स का कंपोनेंट का यूनिट आई होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और अगर हम वाई में देख रहे हैं तो वाई में बी वाई लिखेंगे और बी वाई मान लो हम इसी को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वाई तो ये हो गया बी वाई जे वेक्टर तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑफ दिस टू। लेकिन अगर हम कंपोनेंट में बात करें तो बी एक्स को हम क्या लिखेंगे बी कॉस थीटा और क्योंकि ये बेस कंपोनेंट हो गया और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया तो बी वाई को क्या लिखने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर में मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां पर ये मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर है दोनों मिलकर के वेक्टर विद द डायरेक्शन हो गया कंपोनेंट में तो हम इसको हम बी वाई को क्या लिखने जा रहे हैं बी साइन थीटा। तो ये रिलेशन हमारे पास है कंपोनेंट में कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड तो ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है वेक्टर में अगर आप रिप्रेजेंट करते। अब बोलो कैसे समझेंगे तो मान लो हमने यहां पर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया विद द मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड में हम लिख रहे हैं वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे यहां पर वो बी ही रिप्रेजेंट होगा दैट इज इक्वल टू यहां क्या आ गया दैट बी को अब यहां पर लिख रहे हैं तो रूट अंडर अब दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ बी क्योंकि बी कॉस थीटा कॉस स्क्वायर और साइन बी कॉमन ले लेंगे तो बी आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड बी ही है उस बी को बी के मैग्नीट्यूड को आप कंपोनेंट्स में ले रहे हैं ये कंपोनेंट भी मैग्नीट्यूड है इतना बात हम समझे। तो अगर वेक्टर में बी को रिप्रेजेंट करते हैं तो बी को अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू बी अलोंग द एक्स आई प्लस बी अलोंग द वाई जे ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया विद देयर यूनिट कैप मींस एक का डायरेक्शन एक्स और वाई के कंसीडर में आपने वेक्टर को बी को रिप्रेजेंट किया। लेकिन यहां दो फैक्टर आ रहा है एक दो कंपोनेंट आ रहा है एक बी कॉस थीटा देखो यहां पर अब हम इसको मिटा रहे हैं और हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा इसका हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
या ए, हम लोग सिंपल वे में तो जानते हैं कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं तो सिंपल में 2 × 3 लाइक दैट करेंगे, लेकिन मैट्रिसेस में उसके हिसाब से होगा। तो वेक्टर में कैसे होगा? तो वेक्टर में प्रोडक्ट जब करते हैं तो यहाँ दो प्रोडक्ट हो रहा है, एक हो रहा है ए क्रॉस के साथ है, एक हो रहा है ए वाई के कॉम्पोनेंट के साथ है, माने साइन के साथ है। तो दो अलग अलग फैक्टर है। तो हम अगर इसको बात को समझे कि ए प्रोडक्ट कर रहा है विद द बी एक्स, तो बी एक्स के साथ जब प्रोडक्ट कर रहा है तो बी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। तो ये जो रिलेशन हमने बनाया, मतलब कह रहे हैं ए वेक्टर बी के साथ भी कौन करेगा, एक्टिवेट करेगा। ए को वेक्टर अगर मान लिया और बी का आई वेक्टर मान ले तो हमको क्या मिल रहा है, ए बी का रिलेशन मिल रहा है और यहां पर एक रिलेशन बन रहा है। एक बात आप समझे। दूसरा बात, अगर हम यहीं पर बात करते हैं, सपोज करो कि हमने लिया ए वेक्टर और इसके साथ बी वाई कॉम्पोनेंट ले रहा है, दैट इज द जे, तो इसका प्रोडक्ट भी होगा। तो दो प्रोडक्ट हो गया। चलो अभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहां पर हम सीधा सीधी लिख रहे हैं कि ए वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना और यहां वाई के साथ भी प्रोडक्ट बना, लेकिन यहां दो कैरेक्टर है बी का, एक हो गया बेस कंपोनेंट या एक्स पे बात कर रहे हैं, एक हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हम वाई पे बात कर रहे हैं। तो किसके साथ कौन प्रोडक्ट, ए किसके साथ प्रोडक्ट कर रहा है? अगर ये बेस कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहा है, या कह सकते हैं कि एक्स में कर कर रहा है, या अलोंग द अलोंग इटसेल्फ प्रोडक्ट कर रहा है, ए के अलोंग में बी भी है, ए के अलोंग में बी भी है, तो अलोंग इटसेल्फ अगर प्रोडक्ट कर रहा है देन इट इज टर्म्ड एज डॉट प्रोडक्ट, देन इट इज टर्म्ड एज डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर परपेंडिकुलर के साथ कर रहा है, वाई के साथ कर रहा है, अपने साथ नहीं कर रहा, अपने म्यूचुअल माने 90 डिग्री पे कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। या कह सकते हैं कि इसको भी छोड़ दो, अगर ए विद दैट ऑफ द अदर देन द ओन कंपोनेंट अगर कर रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक तरह से हमने डिफरेंशिएशन को समझा कि कब हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहेंगे और कब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब अगर इसके साथ कैरेक्टर हो रहा है तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको अब हम अभी क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं पढ़ रहे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दो अलग अलग कैरेक्टर हो गया। एक वेक्टर अपने ही कॉम्पोनेंट के बी के साथ अगर प्रोडक्ट करता है तो वो आपका डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, लेकिन उसका एक कैरेक्टर और है कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, स्केलर होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, माने डॉट प्रोडक्ट के केस में जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा। तो हम एक एक बात को समझे कि अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिससे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका मिनिमम एंगल, क्योंकि यहां का मैक्सिमम एंगल भी डिफरेंस है और मिनिमम भी डिफरेंस है, तो मिनिमम एंगल का कोसाइन फैक्टर अगर आप लेते हो, कोसाइन फैक्टर लेते हो, तो दैट विल मेक ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। और यहां जो देख रहे हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट जो देख रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों वेक्टर बोले, तो एक बात ध्यान में रखो, अब यहां हियर वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट स्केलर मींस वनली मैग्नीट्यूड। स्केलर का मतलब क्या हम लोग देख रहे हैं, वनली मैग्नीट्यूड। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू प्रोडक्ट में आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, लेकिन अगर वेक्टर के बारे में देख रहे हैं मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद डायरेक्शन, तो ये बात अब विद डायरेक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। मतलब दो अलग अलग वेक्टर डॉट प्रोडक्ट भी बनाएगा और आपका साथ में क्रॉस प्रोडक्ट भी, साथ में नहीं, उस ऐसा भी है कि दो वेक्टर आपस में मिलके क्रॉस प्रोडक्ट भी बनाता है, दो वेक्टर आपस में मिलके डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बनाता है। तो हम इस बात को अभी सिर्फ समझे हैं कि ए वेक्टर अगर ये कोई और भी है मान लो,
उसका कौन सा कंपोनेंट और किस कैरेक्टर को बनाएगा, किस प्रोडक्ट को बनाएगा। लेकिन एक दो बात और है, क्या आपने यहां नोटिस किया कि वो जो बनेगा वो स्केलर बनेगा, मींस वनली मैग्नीट्यूड बनेगा, तो ही आप डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। तो एक तरह से हमने डिफिनेशन पे पहुंच गया कि डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन द टू वेक्टर्स विद देयर मैग्नीट्यूड, माने प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए with the magnitude of vector b and with a small cosine angle। ये क्या है, इसको हमने क्या लिया है, that is small cosine angle, small cosine angle के साथ ही बात कर रहे हैं। तो ये आपका रिलेशन क्या बनाया, डॉट प्रोडक्ट बनाया। अभी हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे, हमने समझाया इसलिए समझने में हमने ये जाना कि वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह से प्रोडक्ट करता है, दो वेक्टर, तो डॉट कब होगा और क्रॉस कब होगा या वेक्टर कब होगा। ठीक है, तो अभी पहले हम डॉट प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो यहां से हमने डिफिनेशन देखा, चलो क्रॉस को अब हम यहां से हटा दे रहे, क्रॉस सिर्फ हमारे समझने के लिए था अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के रूप में, डॉट प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं यहां पे और बात कर रहे हैं। तो डिफिनेशन यहां से हमको आ गया कि दैट इज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द कोसाइन of the smaller angle, cosine of the smaller angle between them। तो ये definition हो गया, यहां पर दोनों सारी बात हमने कह दिया, small angle, बड़ा वाला नहीं लेना है, small angle और उसके बीच में जो cos factor है, इसलिए यहां सब कुछ लिखा हुआ है, magnitude of a vector, magnitude of b vector and small angle। अब इसको सिंपल वे में अगर हम यहां देखें इस वेक्टर को, तो ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तो वेक्टर, दो वेक्टर को आप देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहां क्या हो गया, दैट इज द कॉस ऑफ द एंगल थीटा, जो आप अभी पढ़े समझे कि कॉम्पोनेंट अलोंग दिस। तो अब इसी बात को हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल अगर हम वेक्टर हटा करके मॉड हटा दे, मॉडुलस हटा दे, तो ए बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमेशा स्केलर होगा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाया या डॉट प्रोडक्ट कहलाया। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज द स्केलर प्रोडक्ट, इज द स्केलर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होगा, देन इट इज टर्म्ड एज द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर। तो ये बात आप यहां से जाने, और स्केलर है, अब इस बात को कैसे समझेंगे, और ये जो हमारे पास आया तो क्या देख रहे हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल, तो अब यहां हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर, component of b vector along the a vector। तो ये आपका हो गया, मतलब अब देखो यहां पर समझ में आ गया कि b a का along b का component along a vector को consider करते हैं, तो ये relation आता है। अब बेटा इस, क्योंकि scalar है, scalar तो आप जो भी लिखे, कहने का मतलब अगर आप 2 into 4 लिखे, 4 into 2 लिखे, दोनों का वैल्यू सेम है, तो जब हम स्केलर की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर।
और अब ये दोनों बात जब हमारे पास आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां पर क्योंकि आपने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दोनों क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये क्या शो किया, इट विल शो दैट द then two vectors make a commutative law, it follow the commutative law a vector dot vector। अब इसको कैसे समझेंगे, तो यहां मान लो हमने एक वेक्टर लिया है a vector, और सेम a vector के साथ b vector आप लिए b vector, तो b का कंपोनेंट along the a, तो यहां से हम a के साथ से एंगल ले रहे हैं थीटा, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपके पास हो गया, तो ये पहला वाला आप लिख रहे हैं कि दैट इज द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या आपने लिखा यहां पर दैट इज ए बी कॉस थीटा। और अगर हम इसी को लेते हैं, मान लो ए वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया यहां, दिस इज द ए वेक्टर, और इसके साथ ही बी वेक्टर लगा हुआ है बी वेक्टर, और ए का कॉम्पोनेंट अगर हम बी पे देख रहे हैं तो यहां पर एंगल बदल गया, यहां थीटा ऐसे हो गया बी के कॉम्पोनेंट, तो दिस बी बेस लाइन हो गया, बी बेस हो गया इसके अलॉन्ग बी के अलॉन्ग ए का कॉम्पोनेंट, तो ए का कॉम्पोनेंट यहां पर क्या हो गया ए कॉस थीटा हो गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू देखो हम एंगल बदल दिए, डायरेक्शन बदल दिए, यहां डायरेक्शन क्या है, यहां डायरेक्शन इधर की ओर है, ए से बी की ओर है, ए से ए वेक्टर जो आपने दिया है ए से बी की ओर है, यहां पर क्या लेंगे बी से ए की ओर जो शिफ्ट किए, तो a cos थीटा हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो b वेक्टर डॉट a वेक्टर दैट इज इक्वल टू, यहां पर भी हमारे पास क्या आ गया b a cos थीटा, और क्योंकि दोनों सेम है स्केलर है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम क्या बात ले जाने कि डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, डॉट प्रोडक्ट मीन सिर्फ स्केलर बना रहा है, और स्केलर को हम कैसे भी रीअरेंज करें और उस तरह से एक का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वन कंसिडर कर रहे हैं, अगर दूसरा में ले रहे हैं तो बी के अलोंग अगर हम कंपोनेंट ऑफ द क्या ले रहे हैं ए, या ए वेक्टर आपने दिया ए का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो ऐसे में ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या जाने कि डॉट प्रोडक्ट सो द कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो बेटा एक और बात यहां कर रहे हैं कि कैसे यहां पर वैरी कर रहा है और डॉट प्रोडक्ट स्केलर कैसे दे रहा है, तो चलो एक चीज और देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि जनरल रूप में जो आप मान लीजिए सपोज करो कि फोर्स आपने लगाया और फोर्स का वैल्यू देखो यहां पर, अगर मान लो एक कंपोनेंट आपने फोर्स लिया है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन पे है, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर है, और दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट तो F vector dot S vector, this is the energy, this is the work, work is the energy, और ये energy क्या है that is the maximum value, क्योंकि यहां पे theta का value कितना है 0 degree है, तो theta value 0 है, तो dot product हम करेंगे, तो F S, अब इसका dot product कर रहे हैं that is equal to F S cos theta, and this is the energy, this is the work, work is the product, एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी यूज हो रहा है, एनर्जी को देख रहे हैं, और एनर्जी हमेशा स्केलर होता है, तो ये स्केलर दे रहा है। अब ये कॉस का वैल्यू यहां पर थीटा बराबर क्या ले लिए, सो एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1, आप पढ़े हो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ऐसे में ये मैक्सिमम वर्क दे रहा है, मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम वर्क है, दैट इज द एफ एस। अब इसका वैल्यू जो भी हो, मान लीजिए 10 है और 2 हुआ तो 20 आपने देखा, ये क्या देखे आप, मान लेते सपोज करो, देखो समझने के लिए बात कर रहे हैं, एफ अगर मान लो 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आप 2 मीटर किए, तो ऐसे में इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, सो वर्क यहां पर कितना लिख दिए, सो वर्क इज इक्वल टू हो गया 10 × 2 दैट इज द 20 एनर्जी जूल हो गया, एंड दैट इज द एनर्जी मैक्सिमम 20 आपके पास आ गया। लेकिन अब समझो इसी बात को हम अगर बात कर रहे हैं कि एक वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट हमको इधर करना है और फोर्स 60 डिग्री पे मान लो है, फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 60 डिग्री पे है, दैट एंगल फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, आप देखे होंगे टॉय को बच्चा लेकर के मूव करता है, या हम किसी चीज को एंगलिंग को करते हैं, या किसी को हम टान करके खींचते हुए बाहर की ओर जाते हैं, खींचते हुए चलते हैं, तो ऐसे में यहां पर हम क्या देख रहे हैं
f और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो यहां पर हम क्यों ऐसा बता रहे हैं आपको, इसको समझना है। तो हम यहां भी f s डॉट लेंगे एंड दैट इज द वर्क, लेकिन ये वर्क क्या है, स्केलर है। अब यहां पर हम डॉट के साथ ले रहे हैं, तो f डॉट s इज इक्वल टू दैट इज द f s cos थीटा, एंड cos 60 ले लिए थीटा की जगह पे cos 60 ले लिए, तो थीटा इज इक्वल टू cos 60 कर दो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो cos 60 इज इक्वल टू हाफ, तो अगर हम हाफ कर देते हैं तो सिंपल देखो बेटा और बात को समझो कि हमने कंपोनेंट को कैसे कैसे किए। कंपोनेंट क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू में घट रहा है। सो यहां पर हम बात कर सकते हैं दैट इज, मान लो सपोज करो कि हमने ये सेम वैल्यू लिया है 10 न्यूटन यहां भी है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 10 × 2 × 1/2, तो ये कट गया, कितना वैल्यू आया 10 जूल। अब बोलो क्या दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये एंगल का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या बता रहा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू, और वो मैग्नीट्यूड वैल्यू घट रहा है या वेरी कर रहा है, दैट इज द सिचुएशन। उस सिचुएशन को समझो कि प्रोडक्ट में अगर सिर्फ स्केलर लेते हैं तो कंपोनेंट लेते हैं और प्रोडक्ट का वैल्यू बदलते चला जा रहा है, सेम नहीं है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट नहीं कर रहे। जनरली 2 × 4 कर दिए या 4 × 8 कर दिए लाइक दिस, और वो हर समय वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। यहां पर क्या कर रहे हैं कि हर समय ये वैरी कर रहा है, तो इस बात को भी हम समझ रहे हैं। और यहां तक जो आपने लिया है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन अलोंग दिस, इस फोर्स का उतनी मैग्नीट्यूड काम कर रहा है यहां पर जिसको आपने कंसिडर किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट वैल्यू बदलते चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा स्केलर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा स्केलर होगा। ऐसे करेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लेंगे। तो यहां तक तो हम बात को समझे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है और कैसे इस बात को समझे कि ये स्केलर है, कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, ये भी हमने बताया bx = bcos थीटा। अब देखो एक और बात कर रहे हैं यहां पर, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ अगर वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं तो ऐसे में हमारे पास क्या रिलेशन आएगा। देखिए यहां पर अभी विद द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, टू वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ए वेक्टर आपने लिया और ए वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर प्लस ए जेड के वेक्टर, इस तरह ए रेक्टेंगुलर हो गया, बी वेक्टर को ले लें तो ये हो गया बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर प्लस बी जेड के वेक्टर। रिजल्ट पार्ट आपको अभी हमने समझाया है कि वेक्टर में आई कंपोनेंट आ रहा है, J कंपोनेंट आ रहा है, B का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, B का रिजॉल्व पार्ट आ रहा है अलोंग x y z, और क्योंकि रेक्टेंगल में इसी को हम अगर यहां पर से एक और ले लेंगे तो z हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहां पर ये तीन का आपने कैरेक्टर लिया, अब दो का भी ले सकते हैं, x और y का भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे में इनका डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल टू, अब सबका वैल्यू रख दो, सो ax i प्लस ay j प्लस ए जेड के डॉट प्रोडक्ट विद द बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और ये अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट फैक्टर लगा रहे हैं तो कैप लगा दो, या आजकल सिंपल भी आप चल सकते हैं आई जे के इज इटसेल्फ रिप्रेजेंट द ऑर्थोगोनल यूनिट फैक्टर अलोंग एक्स वाई जेड, सो जरूरत नहीं है उसके ऊपर हेड कैप और कैरेट लगाए, आप ऐसे भी सिंपल में भी दिखा सकते हैं। अब देखो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझना जरूरी है, क्या कि अगर हम i डॉट i, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां हमने वेक्टर बना, ये बनाया रिलेशन बनाया, सपोज करो कि दिस इज द x, दिस इज द y एंड दिस वन इज द z, तो x कंपोनेंट में i दैट इज ऑर्थोगोनल, j में k, y में j और z में k, दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी को समझेंगे हम लोग यहां पर बहुत आराम से। देखो अगर हम i डॉट i करते हैं, क्यों हम बताएं, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ये इसके साथ है, चलो एक बार पहले समझ लेते हैं, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे इसके साथ है, फिर इनके साथ है, फिर इनके साथ है, सो 9 फैक्टर यू विल गेट, फिर यहां इसके साथ भी करोगे तो ये इसके साथ है, यहां 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 तीनों आएगा, फिर इनको भी करना पड़ेगा, सो 9 फैक्टर आएगा। अब 9 फैक्टर को हम कैसे समझेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पहला में आ रहा है i डॉट i, दूसरा में आ रहा है i डॉट j, तीसरा में आ रहा है
तो अब इस बात को हम यहां समझ रहे हैं कि आई डॉट आई अगर हम लेते हैं आई डॉट आई तो आई दैट इज द वेक्टर अलोंग द एक्स कंपोनेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन और कॉस ऑफ द सेम लाइन है तो आई और आई इसी में है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो और कॉस जीरो इज इक्वल टू व्हाट वन, तो ये टोटल वैल्यू आई डॉट आई कितना आ गया वन आ गया। अब सिमिलरली इसी तरह हम लिख सकते हैं जे डॉट जे दैट इज अगेन वन, के डॉट के अगेन वन क्योंकि सेम कैरेक्टर में है तो इसके साथ भी जे डॉट जे करोगे थीटा बराबर आई डॉट आई किए आई डॉट आई किए तो थीटा बराबर जीरो हो गया जो आपने यहां लिखा, फिर उसी तरह सब में है। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो इनके बीच में कितना एंगल बना रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा यहां पर, तो 90 डिग्री हो गया। तो अब इस बात को हम यहां पर समझ सकते हैं कि अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो आई का वन जे का वन दोनों यूनिट वेक्टर है और कॉस का 90 डिग्री, अब कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो इतना बराबर जीरो तो सारा वैल्यू क्या हो गया आई डॉट जे दैट इज इक्वल टू जीरो। सो इसी तरह सारे के साथ लेंगे, किसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री हो गया, यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो म्यूचुअली एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसे में क्या क्या बात आया जे डॉट के करेंगे दैट इज ऑल्सो जीरो, के डॉट आई करेंगे दैट इज ऑल्सो जीरो और इसका रिवर्स भी करेंगे तो जीरो होगा ठीक है। तो ये नाइन आप रिलेशन को समझ रहे हैं। अब इसका मतलब अगर हम आई डॉट आई कर रहे हैं तो वन वैल्यू आ रहा है, लेकिन आई डॉट जे कर रहे हैं तो जीरो वैल्यू आ रहा है, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब हम जीरो जीरो को प्रोडक्ट जीरो से प्रोडक्ट किसी को भी करोगे वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल स्केलर है ठीक है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो अब इसको हम क्या लिखे यहां पर, तो यहां आ गया ए एक्स बी एक्स क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू वन, आई डॉट आई इज इक्वल टू वन प्लस अब इसके साथ भी करेंगे तो यहां पे जे और जे मिलेगा बाकी सब नहीं मिलेगा क्योंकि जे डॉट आई फिर इसी तरह अगर आप बात कर रहे हो दैट इज इक्वल टू इसी को हम उलट दे रहे हैं जे डॉट आई भी करोगे तो भी वैल्यू जीरो ही होगा, दिस इंप्लाइज यहां पर भी हम देख रहे हैं के डॉट जे करोगे तो भी वैल्यू जीरो होगा और ये भी देख रहे हैं कि दैट इज द आई डॉट के करोगे तो भी जीरो होगा, इसका मतलब बाकी फैक्टर को हम हटा देंगे जो अलोंग द सेम है एक्सिस उसी को हम कंसीडर करेंगे तो यहां पर कितना आ गया दैट इज द ए वाई बी वाई और इधर कितना हो गया प्लस ए जेड बी जेड एंड ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया दैट इज ए बी इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में और ये सभी स्केलर है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, मान लो हमने इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया और अभी आपने अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन किए हो, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डिफिनेशन के द्वारा देखे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिफिनेशन से अभी आपने पढ़ा तो ए बी कॉस फैक्टर ऑफ द थीटा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर सपोज करो टू माना और इन दोनों को क्योंकि इधर बराबर है तो ये भी बराबर हो गया, या आप देख रहे हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है यहां पर भी, यहां भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो ये दोनों को हम इक्वेट कर दिए, इक्वेटिंग वन एंड टू क्या मिला मेरे पास बी ए कितना मिला, तो अब इसको आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और अब यहां से हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड एंड दैट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी क्या है मैग्नीट्यूड है ए और बी का मैग्नीट्यूड है ये ए बी जो आपने लिखा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए एंड बी, सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा और जानकारी हमको लेना है, क्या जानकारी लेना है कि अगर आप कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हो, अगर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हो मींस ए वेक्टर का जो कंपोनेंट आपने लिया इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर क्योंकि क्या है रेक्टेंगुलर ये पूरा का पूरा क्या एक्सिस है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस
ए जेड का स्क्वायर। कैसे समझेंगे हम बात को, तो सपोज करो कि हमने दो ही फैक्टर लिया है ए एक्स और ए वाई। सपोज करो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ए वेक्टर जो है वो है ए एक्स, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे समझने के लिए, सपोज ए एक्स आई प्लस ए वाई जी, बस दो ही कॉम्पोनेंट हमारे पास है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो हम मैग्नीट्यूड निकालने जानते हैं, मॉड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स ए वाई कॉस ऑफ द थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है आई और जे में, आई और जे में थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स और वाई में थीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज 90 डिग्री। तो कॉस कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे, इतना बराबर जीरो हो गया, cos 90 इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो अगर दो कंपोनेंट में आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो कितना आया, दैट इज द ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आया है, तो तीन कंपोनेंट में लेंगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, क्योंकि सभी के बीच में 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो cos फैक्टर जितना भी आएगा वो सब 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह हम किसको लिखेंगे, तो सिमिलरली हम b का भी कंसीडर करेंगे। तो अगर हम b के बारे में बात कर रहे हैं तो b का मैग्नीट्यूड भी आप अगर तीन कंपोनेंट में यहां जो आपने लिया है तो क्या लिखोगे, bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू को अगर यहां रख देंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का रियल वैल्यू और cos का एंगल भी कैलकुलेट कर दिए, दैट इज द मेन मोटिव कि हमने एंगल भी कैलकुलेट किया। यहां पर कितना एंगल आ गया, यहां पर देखो, तो अब यहां बात कर रहे हैं cos ऑफ द थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू यहां आ गया ax dx प्लस ay by प्लस az dz by, अब इसके अंदर लिख देंगे रूट अंडर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर इनटू रूट अंडर, यहां देखो अब ये बोल रहे हैं bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, और ये दोनों मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और यहां से हम थीटा वैल्यू अगर निकालना है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, ये पूरा लिख दो ax bx प्लस ay by प्लस az dz, ठीक है, बाय रूट अंडर यहां हो गया ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर इनटू रूट अंडर यहां पर भी हो गया bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर, और ये रिलेशन हमारे पास थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो ये अभी हम लोग फार्मूला सब जाने और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिए, इन तीन फार्मूला से बेस्ड न्यूमेरिकल जब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, सबसे पहले अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे पूरा, ठीक है। सो अभी के लिए आप देखिए यहां पर समझे बात को कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ वन वेक्टर विद दैट ऑफ द टू सेकंड वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द स्मॉल कोसाइन एंगल, ये सब बात यहां पर समझ में आया। और स्केलर मींस ओनली द स्केलर वैल्यू वी गेट इन द प्रोडक्ट, ठीक है, जबकि वेक्टर में फिर वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा, अनदर वेक्टर मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।